नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। पांडुना विशाल जाम सावली पदयात्रा की तैयारी को लेकर बैठक संपन्न। सरकार द्वारा गौमाता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर 28 दिसंबर को निकलेगी विशाल जाम सावली पदयात्रा। पांडुना विश्व शांति की मंगल कामना के उद्देश्य से लगातार 15 वर्षों से पांडुना जिले से प्रतिवर्ष साल के अंतिम शनिवार को आयोजित होने वाले प्रसिद्ध विशाल जाम पदयात्रा के आयोजन को लेकर नगर के प्राचीन चंडी माता मंदिर में समिति द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की शुरुआत में सभी सदस्यों ने हनुमान चालीसा पाठ का वाचन कर बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें सर्वप्रथम हिंदू धर्म में जिस गौवंश को माता का दर्जा प्राप्त है उसी गौ माता पर अधर्मियों द्वारा लगातार अत्याचार किया जा रहा है। पांडुना क्षेत्र से लगातार अधर्मी गौतस्करों द्वारा बड़ी संख्या में बेजुबान गौवंश को निर्दयतापूर्वक गाड़ियों में भरकर कत्लखानों तक पहुंचाने में पांडुना के रास्तों का उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रतिदिन हमारे धर्म की आराध्य गौमाता के साथ होते अत्याचार को रोकने और गौमाता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर साल के अंतिम शनिवार को पांडुना जिले के सौसर तहसील में स्थित आस्था के केंद्र चमत्कारिक श्री हनुमान मंदिर तक आगामी 28 दिसंबर 2024 को पांडुना के हृदय स्थल गुजरी चौक से सुबह 7 बजे विशाल जाम सावली पदयात्रा का आयोजन होगा, जिसकी तैयारी को लेकर आसपास सभी क्षेत्रों से लेकर अन्य जिले में भी पदयात्रा में अधिक से अधिक संख्या में सम्मिलित होने का आमंत्रण प्रदान हेतु पंपलेट, स्टिकर, बैनर, होर्डिंग के साथ प्रचार वाहन के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाएगा। पदयात्रा के पूर्व जाम सांवली पदयात्रा के तत्वाधान में प्रति शनिवार आयोजित होने वाले विशाल श्री हनुमान चालीसा पाठ यज्ञ का वार्षिक आयोजन दिनांक 24 दिसंबर 2024 को शाम 7 से नगर के सरगम मंगल कार्यालय में आयोजित होगा, जिसमें प्रसिद्ध साधु संतों के द्वारा गौमाता को राज्य माता का दर्जा देने गौमाता पर व्याख्यान के साथ आह्वान कर संगीत में सामूहिक हनुमान चालीसा का वाचन किया जाएगा। गौमाता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर 21 दिसंबर 2024 से समिति द्वारा सुबह 7 बजे डिंडी यात्रा निकाल जनता को गौमाता का दर्जा प्रदान करने की मांग के साथ हनुमान चालीसा एवं रामधुन का वाचन कर प्रतिदिन नगर भ्रमण यात्रा का आयोजन किया जाएगा। गौमाता पर लगातार हो रहे अत्याचार को रोकने का एकमात्र विकल्प को देखते हुए गौमाता को राज्य माता का दर्जा प्रदान करने समिति द्वारा मुख्यमंत्री के नाम पोस्ट कार्ड अभियान की शुरुआत की जाएगी, जिसमें मध्य प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति द्वारा गौमाता को राज्य माता को दर्जा प्रदान करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम पत्र भेजा जाएगा। पदयात्रा की तैयारी को लेकर समिति द्वारा शासन के नाम आवेदन देकर पांडुना से मोडोगरी, सिवनी, राजना, महराखापा, पिपला, घोगरा, जाम सांवली मार्ग तक सड़क की सफाई एवं मार्ग पर स्टॉपर सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्य कर्मी, एम्बुलेंस के साथ जीवन रक्षक दवाइयों की व्यवस्था हेतु निवेदन किया जाएगा। पदयात्रा के दौरान पांडुना से जाम सांवली मार्ग पर भारी वाहनों के आवागमन और प्रतिबंध लगाने के साथ में पदयात्रा से वापसी आने वाले भक्तों से अधिक किराया वसूल करने वाले बस संचालकों पर दंडात्मक कार्यवाही एवं बाइक सवार चालक हेतु हेलमेट का उपयोग अनिवार्य करने की मांग यातायात विभाग से की जाएंगी। साथ में पदयात्रा के दिन ठंड अधिक होने से रात्रि के समय प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था के साथ मंदिर में दर्शनार्थियों हेतु निर्मल जल की व्यवस्था उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाएगा। बैठक में उपस्थित समिति अध्यक्ष मनोज गुर्धे, विवेक मानकर, सुरेश तनवानी, रवि खोड़े, अर्पित गडकरी, हरीश गायधने, चेतन हेड़ाओ, सुभाष भक्ते, प्रकाश पाटिल, टिंकू बोबड़े, जीतू गिडकर, संदीप प्रहारे, प्रकाश मानकर आदि सदस्य उपस्थित रहे। तहसील रिपोर्टर रविंद्र नारनवरे की रिपोर्ट।